हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6। हम 1/x को पी मान लेते हैं, तो लेट लेट 1/x इज इक्वल टू पी एंड 1/y इज इक्वल टू क्यू, देन कॉमा हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 यानी पी बाई टू प्लस क्यू बाई थ्री इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो तो 3p प्लस 2q बाई 6 इज इक्वल टू 2, तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। एंड कॉमा 1/3x, तो यानी p बाई 3 प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। तो एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे हमारा p जो है 3 है, यहाँ 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से कर देंगे और इक्वेशन 2 को 3 से कर देंगे, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट क्या आ जाएगा, 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। अब इसको हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हमारा हमको p को एलिमिनेट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 वी गेट, पहले इक्वेशन लिखो 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस का 5q इज इक्वल टू माइनस का 15, तो q की वैल्यू आ गई 3। 3 हो गई। अब आ जाते हैं पुटिंग पुटिंग q इक्वल्स टू 3 इन q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 में पुट करो क्या है, 6p प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, तो 6p प्लस 12 इज इक्वल टू 24, तो 6p इज इक्वल टू 12, p की वैल्यू आ गई 2। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों हमारे Q और P की वैल्यू क्या आई है, 2, Q की वैल्यू आई 3, तो देयरफॉर P इक्वल टू 2। P को हमने क्या माना था, P इक्वल टू 1/x एंड P इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ गया, 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। एंड कॉमा Q इक्वल टू क्या है, 3 है,
तो यहाँ से q की वैल्यू क्या है, 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3। तो अब रिसिप्रोकल कर दो, y इक्वल टू 3, तो 10, y इक्वल टू 1 बाई 3, 1 बाई 3, 10, x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हाँ तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है 2 बाई रूट x प्लस 3 बाई रूट y इज इक्वल टू 2, 4 बाई रूट x माइनस 9 बाई रूट y इज इक्वल टू -1। तो आ जाते सॉल्यूशन में, लेट लेट 1 बाई रूट x एंड 1 बाई रूट y बी P एंड Q रेस्पेक्टिवली देन कॉमा क्या हो जाएगा, 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4P माइनस 9Q इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हम पहली, अगर हम P को एलिमिनेट कर देंगे तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, वी गेट क्या आ जाएगा, 4P प्लस 6Q इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन लिखो क्या है, 4P माइनस 9Q इज इक्वल टू -1, 4P प्लस 6Q इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 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 ये हमारा कैंसिल हो गया, इधर क्या आएगा, माइनस का 15Q। अब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस फाइव, तो 15Q, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 5, तो Q की वैल्यू आ गई 1 बाई 3। पुटिंग पुटिंग Q इक्वल टू 1 बाई 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन लिखो क्या है, 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 2, तो 2P प्लस 3 इंटू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2, 2P इज इक्वल टू 2 माइनस 1, P की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 2, 1 बाई 2, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 बाई रूट x, 1 बाई रूट x। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 1 बाई रूट x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, रिसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, रूट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर क्या होता है हमारा 4, तो 4 एंड कॉमा क्यू क्या था हमारा, 1 बाई रूट y। अब यहां से हमारा क्या निकल के आया, 1 बाई रूट y इज इक्वल टू 1 बाई 3, 1 बाई 3, तो अब आ गया हमारा रूट y इज इक्वल टू 3। तो अब y की वैल्यू आ गई 9, तो 10, x इज इक्वल टू 4 एंड
वाई इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। हाँ तो दोस्तों ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, 7x-2y = 5, 8x+7y बाई xy = 15। ये हमको दो इक्वेशन दी है, तो आ जाते सॉल्यूशन में। लेट 1x = p एंड 1y = q। अब आप कहेंगे हमने पहले क्यों 1x 1y को मतलब मान लिया कि p और q है, क्योंकि अभी जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो 8x कुछ इस तरह आएगा। अभी देखते हैं हम करते हैं, देन कॉमा 8x+7y बाई xy = 15। कुछ लोग इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी में अलग अलग लिख दीजिए, 8x/xy+7y/xy = 15। ये हो गया, x से x कट गया, y से y कट गया, क्या गया 8y+7x = 15। अब जो हमने माना था उसको पुट कर दीजिए, क्या है 8q+7p = 15। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। एंड कॉमा दूसरी इक्वेशन आप बनाते हैं, 7x/xy-2y/xy = 5। ये बन गया, x से x कट गया, y से y कट गया, क्या गया 7/y/2/x = 5। तो क्या आ गया 7q-2p = 5। ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो देखो यहाँ 8q है, यहाँ 7q है, यहाँ 7p, यहाँ 2p, तो हम p को मतलब एडिशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 2/7 एंड इक्वेशन 1/2 क्या बन जाएगी। पहले इक्वेशन वन करो, 16q+14p = 30। 30 ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ क्या बनेगी, 16q-14p, 7 से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 49q-14p = 35। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो एडिंग एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, इक्वेशन लिखो क्या है, 16q+14p = 30, 49q-14p = 35। ये है हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 55, तो 65 हो गया, ये 65q, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 65, क्यू की वैल्यू आ गई 1। तो पुटिंग पुटिंग क्यू क्यू इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब इसके आगे करते हैं, पुटिंग क्यू इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 हम कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 पहले लिख लो, 16q+14p = 30 थी, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, 16+14p = 30, 16 उधर जाएगा, क्या बचेगा 14p = 30-14, तो क्या आ जाएगा p = 1। तो p हमारा क्या था 1/x,
तो वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन, एंड कॉमा क्यू इज इक्वल टू वन, तो वन बाई वाई बराबर वन, वाई की वैल्यू आ गई वन। हाँ तो दोस्तों ये था हमारा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन, अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। हाँ तो दोस्तों ये हमारा सिक्स पार्ट है, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई, टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई। तो आ जाते सॉल्यूशन में, लेट वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी एंड वन बाई वाई इज इक्वल टू क्यू, देन कॉमा ये वाली इक्वेशन लो क्या है, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई, टू से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स नहीं, थ्री से हम डिवाइड कर देते हैं ना, क्योंकि सब थ्री के मल्टीपल्स हैं, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई को डिवाइड मिले, और टू एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई बराबर टू, तो क्या आ गया, टू बाई वाई प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, तो टू वाई मतलब टू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू टू, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। तो एंड कॉमा दूसरा क्या है, टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई, यहाँ से क्या आ गया, टू एक्स वाई बराबर फोर वाई बाई प्लस फोर वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव, ये हो गया। यहाँ से क्या आ गया, टू बाई वाई प्लस फोर बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव, यहाँ से हमारी क्या कौन सी ये हो जाएगा, टू क्यू प्लस फोर पी इज इक्वल टू फाइव, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। देखो जो हमारा ये टू का क्यू का कोफिशियंट है वो हमारा सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन वन फ्रॉम टू वी गेट, पहले इक्वेशन लिखो क्या है, टू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू टू, टू क्यू प्लस फोर पी इज इक्वल टू फाइव, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी एक लाइन छोड़ के हम सिंगल लाइन बना देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री पी इज इक्वल टू माइनस का थ्री, तो पी क्या आ जाएगा, थ्री बाई थ्री, पी की वैल्यू आ गई वन, तो पुटिंग पुटिंग पी इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन वी गेट, इक्वेशन वन लिखो, टू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू टू, टू क्यू प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो टू क्यू बराबर वन, क्यू की वैल्यू आ गई वन बाई टू, क्यू हमने क्या मान रखा है, वन बाई वाई, तो वन बाई वाई बराबर टू, यहाँ से निकल के आ गया वाई बराबर टू, एंड कॉमा पी की वैल्यू हमारी आई थी वन, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, वन बाई एक्स वन बाई वन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो इसके बाकी के फोर पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय, टेक केयर।